पाकिस्तान में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर मुश्किल में चल रहे सिंगर मीका सिंह ने बुधवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीका ने इस दौरान मीडिया के सामने परफॉर्मेंस को लेकर माफी मांगी। हालांकि बाद में वह सवालों से इरिटेट होते भी दिखे, जिसके बाद वह अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चलते बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन की ओर से बताया गया कि मीका ने उनसे लिखित में भी माफी मांगी है। उन्होंने माना कि पाकिस्तान जाने का निर्णय गलत था, इसके लिए वे फेडरेशन और पूरे देश से माफी मांगते हैं। इसी के साथ यह भी साफ किया गया कि भारत में किसी भी पाकिस्तानी कलाकार का स्वागत नहीं है और उनका पूरा जोर भारत में मौजूद टैलेंट को आगे बढ़ने पर रहेगा। फेडरेशन ने मीका से बैन हटाए जाने की भी घोषणा की। मीका ने पाकिस्तान विजिट को लेकर सफाई देते हुए कहा कि वह ननकाना साहिब गुरुद्वारा में दर्शन के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बेहद पुराना था और उनके लिए शो करना बेहद जरूरी नहीं था, लेकिन ऐसा गलती से ही किया। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि उनसे ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। पंजा साहब गुरुद्वारा जो कि नवंबर में फिर बहुत बड़ा वहाँ पे फंक्शन होगा, जबकि गुरु नानक देव जी का वहाँ पे जन्मदिन होता है, तो मेरा ऐसा नहीं था और बहुत पुराना ये शो था हमारा, कमिटमेंट थी और मैं वहाँ थर्ड को पहुँचा हूँ तो फिफ्थ को आई गेस कश्मीर का ये जो बहुत बड़ा मुद्दा उठा, तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ शो करना ही करना है या शौक है। ये ऐसा बाय मिस्टेक हो गया कि एक मैं वहाँ गया और ऊपर से इधर 370 का हो गया सारा। तो फिर मैंने इनको फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ एंड मैं स्पेशली आया हूँ एंड अगेन अगर मेरे से कोई गलती हो गई बाय मिस्टेक तो मैं अगेन क्षमा मांगता हूँ फेडरेशन से भी और पूरे मेरे फैंस से भी मीडिया से भी। आप मेरी बात सुन रहे हो? उसी जगह पे आतिफ और नेहा का शो हुआ था, आपको पता है किसने कराया था वो शो? किसने कराया बताइए। अब ये चाहते हैं कि मैं भड़कूं और आपका फिर मीडिया चल जाए। कहाँ पे हुआ था मीका? इनको पता है? आप बताइए ना। इनको पता है? नहीं नहीं उनको नहीं पता। क्यों? इनको अरे पूरा चलो पूरा अपनी बात रखने के दौरान जब मीडिया ने उनसे उनके बयान पर सवाल किए तो मीका इरिटेट होते दिखे। उन्होंने उल्टा मीडिया पर ही सवाल उठाए और कहा कि वह सिर्फ उन्हीं से सवाल क्यों करते हैं, पाकिस्तानी कलाकारों के सॉन्ग अभी भी चलते हैं, सोनू निगम शान जैसे सिंगर्स को काम नहीं मिलता लेकिन आतिफ असलम के गाने अभी भी सुनाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये नियम सबके लिए लागू होते हैं तो इसे एग्री करें। आपको बता दें कि 28 अगस्त को मीका सिंह यूएसए में परफॉर्मेंस देंगे जिसका प्रमोटर पाकिस्तानी शख्स है। इस पर जब मीका से सवाल हुआ तो उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और सीट से उठकर चले गए। न्यूज डेस्क।